जस माए जो नदामत बना दे, कोई मांगने का सलीका। We have with us the chief guest of the day, Miss Ravi Pirzada. Please welcome her. Ma'am is a renowned television host, an artist, calligrapher, and a philanthropist. Her philanthropic career is characterized by dedicated commitment to uplifting underprivileged communities through the Ravi Pirzada Foundation. The foundation focuses on harnessing the inherent talent and abilities of those in need, with a primary emphasis on child education, healthcare services, and targeted assistance to widows, orphans, and the needy. We are honored to have you among us, ma'am. Thank you so much for joining us. Eamon and Zuha, the podium is now yours. हमारी असल जो आज की मेहमान हैं, guest of honor हैं, वो राबी पीरज़ादा साहब हैं। और राबी पीरज़ादा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपको मालूम है कि एक ज़माने में बहुत ही पॉपुलर सिंगर होती थी, बहुत बड़ी सिंगर, बिजी तरीन इनका स्केड्यूल हुआ करता था। और इसके बाद होता है कि अल्लाह का करम होता है, फजल होता है, और ये कन्वर्ट हो गई और रागिब हो गई इस्लाम की तरफ, मज़हब की तरफ, दीन की तरफ। और देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सर ढांप के आती हैं, अल्लाह रसूल की, दीन की बातें करती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा करम होता है। हमने जुनेद जमशेद को देखा, हमने वो क्रिकेटर यूसुफ योहाना को देखा, हमने सुक्लैन मुश्ताक को, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और करम है। और ये एक ज़माने में बहुत बड़ी सिंगर थी, अभी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और दीनी तालीमात में आगे आगे होती हैं, कुरान की तालीमात देती हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। आज इनको हमने इन्वाइट किया, यकीन जानिए ये इनका इतना बिजी स्केड्यूल था, लेकिन ये बिल्कुल कहना चाहिए जिसको 11th आवर कहते हैं ना सर, उन पे, उस पे हमने रिक्वेस्ट की किसी के थ्रू और ये तशरीफ़ ले आई। तो इनका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो अभी राबी पीरज़ादा साहिबा थोड़ी देर में आपसे बात करेंगी। लेट्स वेलकम आवर चीफ गेस्ट मिस राबी पीरज़ादा ऑन द स्टेज टू एड्रेस द ऑडियंस। उलझता है इंसान ये नफ्स है या शैतान, कहाँ पहुँचे नमरूद फिरऔन। सबसे पहले तो मैं डाइस पे इसलिए कभी खड़ी नहीं होती हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं नजर नहीं आती, फिर छुप जाती हूँ। और आई रिमेम्बर के व्हेन आई वाज देयर इन द शोबिज़ आई यूज्ड टू डू द सेम। आज मैं यहाँ पे क्यों आई? मेरी कुरान क्लास होती है, कुछ पाकिस्तान में होती है, कुछ अमेरिका के लिए होती है। आज मैंने उस क्लास को डिले किया बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू एड्रेस यू गर्ल्स। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी। अभी आपने देखा कि ये जो खातून जिन्होंने, जो आपकी बहुत फेवरेट है, शी वॉज होल्डिंग अ बेबी एंड आई थिंक दैट दिस शोज हर पावर। कि माशाल्लाह उनकी एक तो ट्विंस डॉटर है, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी माशाल्लाह, एंड द वे शी इज केयरिंग। बच्चे जो है ना वो लाइबिलिटी नहीं होते, बच्चे गिफ्ट होते हैं और आपका प्राइड होते हैं। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट द वेमेन जो कि अपने इस प्राइड को दुनिया को दिखाती है। देखो आई एम सच अ ब्रेव लेडी कि मैं अपने बच्चे भी संभाल रही हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ। सबसे पहले आप इनके लिए बहुत सारी तालियां, आई रियली अप्रिशिएट डूइंग ऑल दैट। अच्छा, मैं बड़ी बोर हुआ करती थी चीफ गेस्ट की स्पीचेस से, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी। पहले तो मैं दीन की बात बताऊंगी कि फिल्म एंड मीडिया, आजकल के जो ड्रामे, मैं तो इतना नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे घर की जो खवातीन है, आंटीज हैं, वो बहुत देखती हैं, खाला, अम्मी, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी एंटी इस्लामिक चीजें मिलती हैं। देखो मैं एक दौर में आई यूज टू बी ए सिंगर, बट यू डोंट नो आई यूज टू बी ए प्रोड्यूसर। किस्सा कुर्सी का मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने बहुत सारी प्रोडक्शंस की, आई वाज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर, मैं सबसे छोटी उम्र की प्रोड्यूसर थी। उसकी वजह यह थी कि आई डिडंट वांट टू वर्क अंडर पीपल, आई वॉन्टेड टू वर्क कि मैं अपने उसके ऊपर ड्रामे बनाऊं। जो आजकल के ड्रामाज है ना, उसके अंदर आप देखोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दीन को गलत इस्तेमाल करना, आपके रिश्तों को गलत इस्तेमाल करना, आपके जो फैमिली नॉर्म्स हैं उनको खराब करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, वल्गैरिटी दिखाना, आहिस्ता आहिस्ता से ये चीजें बढ़ती जा रही, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी छोटी सी चीज है, ये बड़ी मुश्किल से समझ आती है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैंने बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना, 8 stars, 5 stars तो बड़ी छोटी बात है, 8 star होटल्स में ठहरना, बहुत पैसा, everything was there. I've seen it all. There is nothing. Because and आतिफ असलम का भी उधर ही है, एंड जो बेचारा यहाँ पर जो ये जो भाई बैठे हुए हैं इनका भी उधर ही है, एंड इज द ग्रेव, एंड हमारी कब्र है।
मैं आपका ये इवेंट जो है इसको डल नहीं करना चाहती, मैं आपको एक हकीकत बताना चाहती हूँ। अल्लाह ताला दुनिया से मना नहीं करता, रब्बना आते ना फिर दुनिया, दुनिया अल्लाह ताला कहता है लेके चलो, दीन को मत भूलो। हो सकता है कि जिस खातून का सर कवर ना हो, हो सकता है वो नेकियों में मुझसे भी आगे हो। लोगों को जज ना करो, नेवर जज पीपल। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अब मैं मजहब से हटकर आपको एक छोटी सी बात करूंगी। हमारे यहाँ सबसे, मैं देखो मैं सोशल वर्क करती हूँ, मेरे अंडर 700 बच्चे हैं और 313 से ज्यादा खवातीन हो गई हैं, 323 हो गई हैं तकरीबन। आपको पता है आपकी एज में सबसे बड़ा प्रेशर पढ़ाई के अलावा क्या होता है? शादी, शादी करो, शादी करो, शादी करो। दैट इज लाइक लिटरली, ये मैं कोई गरीबों की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई मिडिल क्लास की, अमीरों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको वो कहते हैं इसने कमाना है, कमाना है, कमाना है। वो बेचारा परेशान, मैट्रिक से परेशानी शुरू हो जाती है, मैं नौकरी करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, FSC में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नौकरी अच्छी तरह से मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे कमा पाऊंगा जो माँ बाप ने लगाए हैं वो उतार पाऊंगा कि नहीं, वो अंडर प्रेशर होता है। और लड़कियां पता है किस अंडर प्रेशर होती हैं? शादी। अब हर बीबी ने आके बंदी से पूछना, अच्छा इसकी शादी नहीं, ये नहीं सोचते भाई कि कोई लड़का सामने है वो शादी के लिए इनकार करे, नहीं रिश्ता भी नहीं है, शादी नहीं हुई आपकी। नेवर गेट अंडर दैट प्रेशर, उस प्रेशर के अंडर कभी नहीं आना। ये मैं आपको बड़ी दिल की बात बता रही हूं। अल्लाह ने ना रिश्ते आसमानों पे बनाए हैं, कहते हैं ना जो है तुम्हारा मिल जाएगा करके कोई बहाना, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इसको अपनी अपनी अम्मी को भी समझाएं, करियर करना, करियर बनाना। जब आप करियर बनाओगे ना तो वो आपकी अचीवमेंट है। शादी होना ना होना इट इज अबाउट, ये सारी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए कोई बंदा रखा हुआ है, अल्लाह उसको भेजेगा, उसका रिश्ता भेजेगा, कबूल होगा, आप लोग शादी करोगे। करियर पे फोकस करो। और पाकिस्तानी गर्ल्स जो है ना, मुझे याद है कि जब मैं कॉन्सर्ट किया करती थी तो लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां भंगड़े डाला करती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट एनर्जी अलॉट, स्पेशली लाहौर की लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। एनर्जी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, अल्लाह को मत भूलो और अपने करियर पे फोकस करो। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग यहाँ पर हैं, अपने डिफरेंट, डेफिनेटली अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो डिफरेंट शहरों से आए हैं। जब हम यहाँ पर आए तो आपका एक खर्रांट किस्म का जो अंकल था, उसने हमारे ड्राइवर से कहा गर्ल्स हॉस्टल में मर्दों को जाने की इजाजत नहीं। वो इतना सख्त था, मैंने सोचा यहाँ की लड़कियों के ऊपर तो बड़ी सख्ती है। वो दाढ़ी वाले नहीं है बाहर, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गाय, बट आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको आज एक बात बता दूं, इसको बेशक तुम रिकॉर्ड कर लो, अपने पास महफूज कर लो, ये जो वक्त आज आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि शादी या बच्चे या करियर कोई बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है। द लाइफ दैट यू आर इंजॉइंग राइट नाउ, प्लीज इसको एक एक लम्हा अपने दिल में, अपनी फ्रेंड्स का हाथ पकड़ो और उसको बताओ कि यार मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पर जिंदगी के ना बड़े प्रेशर्स होंगे, तब तुम ये वक्त याद करोगे, यार मैं केयर फ्री होती थी, मैं तो ऐसे करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो हमारे इवेंट के ऊपर राबी पीरज़ादा भी आई थी, उसने भी हमें बातें की थी, हमने तस्वीर भी, दैट ऑल विल गो, टाइम जस्ट पासेस अवे। आप अगर आप अपनी देखें स्कूल लाइफ को देखें, स्कूल की फ्रेंड्स के बारे में एक लम्हे के लिए सोचें, आप कहेंगे यार हम कितना कुछ पीछे छोड़ा और पता ही नहीं चला। आजकल के वक्त के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बरकत नहीं है। वक्त ऐसे ऐसे गुजरता है, लोगों के बच्चे ऐसे बड़े हो जाते हैं, लोगों के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लोगों के माँ बाप उनको छोड़ कर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त का। तो वक्त का पता उस वक्त चलता है, जैसे वो कंग फू पांडा का एक डायलॉग है ना कि प्रेजेंट को प्रेजेंट इसलिए कहते हैं कि वो तोहफा है, उस मोमेंट को जियो और उस लम्हे के अगले लम्हे को मत सोचो। मुझे नहीं पता था कि इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह को कैसे राजी करते हैं, तो मैंने खम लिखी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सुनाऊं। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जिजो नदामत बना दे, नहीं आते कोई आदा बेगुलामी, ना दिल की सफाई न चेहरा नूरानी, नहीं आते कोई आदा बेगुलामी, न दिल की सफाई न चेहरा नूरानी,
नमाजें भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी, हिरसों हवस की सयाही मिटा, कोई मांगने का सलीका सिखा दे। रमजान आने वाला है, हम अक्सर अपने गुनाह शैतान पे डालते हैं, ये इसके लिए। उलझता है इंसान ये नफ्स है या शैतान, कहां पहुंच नमरूद फिरौन हामान। उलझता है इंसान ये नफ्स है या शैतान, कहां पहुंच नमरूद फिरौन हामा। गुनाहों की लज्जत नशा ताकतों का, भरे हैं खजाने मगर कल्ब वीरान। गफूरुर रहीम और रहमान तू है, बशर में तो शर है गुफरान तू है, दिखा अपने जलवे मेरा कल्ब मुर्दा, खलकत पे अपनी मेहरबान तू है। मोहम्मद का मेरे उम्मती बना दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जुज़ो नदामत बना दे। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुझसे माए